concerned. So today on Gen Next, we'll ask this question: can politics and the current political setup really empower today's young generation to lead from the front? Do we have the system that can actually engage these youth in the sphere of politics and much more? And we're very glad to have on the show with us on Gen Next today, we have with us Ravneet Singh Bittu, Youth Congress leader and member parliament. Thank you very much, Bittu ji. Gen Next mein aane ke liye bahut bahut shukriya. And very glad to have Nadeem Javed with us, former NSUI president and youth लीडर. बिटू जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, इससे पहले कि हम ये सवाल पूछें, यूथ इन पॉलिटिक्स विद अ बिग क्वेश्चन मार्क एट द एंड, क्या जब हम दशा और दिशा की बात करते हैं, आज की युवा पीढ़ी की बात करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या हमारे पास वो सिस्टम है जहां पे हम यंगर जनरेशन को एंगेज करें? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया, अभी आज 60% से ऊपर पॉपुलेशन है वो हमारे देश में यूथ की है. बाकी हर जगह आज हमारा यूथ आगे आ रहा है, लेकिन इस बात कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है. अभी पॉलिटिक्स में अभी जो यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं वो घबराती है. क्योंकि किसी भी पार्टी की आप बात करें, जितनी भागीदारी यूथ को मिलनी चाहिए उतनी अभी मिली नहीं. नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली अभी. और ये नहीं मैं कहता, अभी यूथ भी आज थोड़ा सा पीछे पॉलिटिक्स से जा रहा है. ऐसा चाहे मीडिया की बात करें, ऐसा कंसेप्ट बन चुका है जहां ऐसी धारणा बन चुकी है जो पॉलिटिक्स में बहुत आज जो है गिरावट आई है. लेकिन मैं आपके आज दूरदर्शन के माध्यम से ये जरूर हमारा यूथ आज आया हूं, मैं कहना चाहता हूं भी वाकई अगर आप ठीक करना चाहते हो उस देश को, रोज बातें रोज हो रही हैं, लेकिन अगर ये ठीक करना चाहते हैं तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा. आपने घबराहट वर्ड यूज किया, विच मीन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस और एंग्जाइटी है आज के यूथ में. ये घबराहट किस चीज की है? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना है, या ये लैक ऑफ इंटेंट है, दिलचस्पी नहीं है, या कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है आने का? नहीं, देखो इसमें कई बातें हैं. आम एक धारणा है भी अगर पॉलिटिक्स में आना है आप बड़े पॉलिटिकल फैमिली से होने चाहिए, बिल्कुल, आप पैसे वाले होने चाहिए, और आपको जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं उसकी खुशामद करनी पड़ेगी, तब आप पॉलिटिक्स में आप एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं. लेकिन आपका जिस तरह से फेयर सिलेक्शन हुआ, आपका जैसे चुनाव हुआ, ये जो आप कह रहे हैं ना, एक धारणा, एक परसेप्शन है, आप मानते हैं उसको, उस परसेप्शन को ब्रेक करना है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमेशा नहीं चलती. ये देखो, ये हमारे देश में ये पहली बार हुआ है. आज से 3 साल पहले ये धारणा को बदलने के लिए हमारे प्रिय नेता रिस्पेक्टेड श्री राहुल गांधी जी जब जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के बने और उनको यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, क्योंकि बाकी देशों में ऐसा होता है, उन्होंने भी एक सोच लेकर आए भी यहां सिस्टम कैसे ठीक होना चाहिए, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक प्रोसेस हो और यंगस्टर्स इसमें एंटर कर सके जो चाहते हैं. तो उन्होंने आज से 3 साल पहले पंजाब में, जहां से मैं आता हूं, वहां पे सबसे पहले इनर डेमोक्रेसी इलेक्शन प्रोसेस पार्टी में लेके आए. नौजवान ही चुनेंगे कौन यूथ प्रेसिडेंट होना चाहिए, कौन जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए. नहीं, आगे क्या होता था, नॉमिनेशन की जो लीडरशिप के इर्द गिर्द घूमते थे उन्हें बना दिया जाता था. ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट नदीम मोबिलाइजिंग टुडेज यूथ, लाइक वी हैव प्रोग्राम्स जो अभी बुनियाद अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ, लेकिन बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इस टाइप के कैंपेनिंग या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की नहीं है. एक बिग पिक्चर जो है, आपको ऑलमोस्ट अ डेकेड हुआ है यूथ पॉलिटिक्स में, आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज योर रीडिंग, व्हाट इज योर असेसमेंट, क्या एक बेसिक इंटेंट की आप कमी देखते हैं आज की युवा पीढ़ी में, जहां तक पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का सवाल है? मैं वर्ड करियर यूज नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने, बिकॉज करियर एक अलग डिस्कशन ऑल टुगेदर है. क्या असेसमेंट है आपकी? सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सिस्टम हमारी जिंदगी को तय करता है. हम खाएंगे कैसे, हम चलेंगे कैसे, हमारी एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, हमारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, इश्यूज क्या होंगे, वगैरह वगैरह. वो हमारी जिंदगी को तय अगर कोई सिस्टम करता है तो पॉलिटिकल सिस्टम करता है, नंबर वन. नंबर टू, जो सवाल बुनियादी आपने उठाया वो ये कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस में होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होना चाहिए, क्या दिलचस्पी है, आप देखते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं. वो मिसिंग है. वो मिसिंग इसलिए है कि जब तक कि किसी व्यवस्था में विश्वास लोगों का नहीं होगा, जब तक कि ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक कि लीडरशिप को देख के आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे अंदर से कि हमें इसका पार्ट बनना है या हमें इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर इस सिस्टम के साथ चलना है, तब तक उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पाता है.
मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 सालों में खासतौर से इस देश के अंदर जो कुछ हुआ डेवलपमेंट अलग अलग स्टेट में या नेशनल लेवल पे, उससे लोगों का ट्रस्ट